हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पापू सरकार। वेलकम टू योर चैनल फिजीजी इट्स योर फैमिली। जितना भी स्टूडेंट तेजपुर यूनिवर्सिटी में वेरियस प्रोग्राम के लिए पीजी एंड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो, उन लोगों का मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया। मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आज 11 जुलाई से आप लोगों का रिपोर्टिंग लिंक आएगा काउंसलिंग के लिए। रिपोर्टिंग लिंक आने के बाद एडमिशन प्रोसेस तक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, कैसे एडमिशन होना पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों का पहले तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का शेड्यूल देख लेता हूँ। आप लोगों का मेरिट लिस्ट 10 जुलाई तक आप लोगों का मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया। जितना भी स्टूडेंट सीयूटी पीजी में थ्रू ते एडमिशन लेना चाहते हो, उन लोगों का मेरिट लिस्ट भी पब्लिश हो गया। एंड जितना भी स्टूडेंट तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट यूईई थ्रू में एडमिशन लेना चाहते हो, सब लोगों का कॉमन मेरिट लिस्ट पब्लिश हो गया। अभी कॉमन मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद आप लोगों का क्या 11 जुलाई को क्या आएगा, रिपोर्टिंग लिंक आएगा। रिपोर्टिंग लिंक के क्या होगा, आप लोग जितना एक पार्टिकुलर कोर्स में जितना भी सीट है ना, उसका 5 times ज्यादा स्टूडेंट तक रिपोर्टिंग लिंक आएगा। सपोज वन कोर्स के कोर्स में 30 स्टूडेंट है, सो उस कोर्स में पर्टिकुलर उस कोर्स में 150 स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग लिंक आएगा। रिपोर्टिंग लिंक आने से आप लोगों का एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्टिंग लिंक को प्रोसीड करने से आप लोग उस काउंसलिंग में बने रहेगा, ठीक है। काउंसलिंग कंटिन्यू प्रोसेस में चल रहेगा। जितने भी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग लिंक आएगा लेकिन उन लोगों ने प्रोसीड नहीं करेगा, उन लोगों का एडमिशन प्रोसेस से बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों का रिपोर्टिंग लिंक पीजी स्टूडेंट के रिपोर्टिंग लिंक आएगा 11 जुलाई को एंड पीएचडी स्टूडेंट को रिपोर्टिंग लिंक आएगा 13 जुलाई को, ठीक है। रिपोर्टिंग लिंक कितना स्टूडेंट आ गया, 5 times को आएगा। सो आप लोग मेरिट लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लेना। एक मेरिट लिस्ट देखता हूँ, कोई भी एक मेरिट लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। हम लोग मेरिट लिस्ट किधर देख सकते हो, यहाँ पे मेरिट लिस्ट दे दिया हम लोग, इधर से मेरिट लिस्ट देख सकते हो। सो वेरियस प्रोग्राम के लिए हाँ मेरिट लिस्ट आ गया। सो इधर से मेरिट लिस्ट देख सकते हो, जैसे अप्लाइड साइंस के लिए नोटिफिकेशन, ओके पीएचडी प्रोग्राम, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, पर्सनल इंटरव्यू, ऐसे देख सकते हो। कोई भी एक केमिस्ट्री ले लेता हूँ, केमिकल साइंस, ओके एमएससी इन केमिस्ट्री, कॉमन मेरिट लिस्ट थ्रू तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट, कॉमन मेरिट लिस्ट थ्रू सीयूटी पीजी। सो एंड पीएचडी इन केमिकल साइंस, नोटिफिकेशन पीएचडी प्रोग्राम एटम, ओके एंड शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू, ओके। सो हम लोग एमएससी के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉमन मेरिट लिस्ट थ्रू सीयूटी, ओके थ्रू तेजपुर यूनिवर्सिटी। सो तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए कितने स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 24, ठीक है। और ठीक है, और एक देख लेता हूँ, केमिस्ट्री में थ्रू सीयूटी पीजी में कितना स्टूडेंट लेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का मेरिट लिस्ट, जो टोटल सीट कितना है, 6 सीट है, ठीक है। उसके बाद और एक देख लेता हूँ, फिजिक्स का देख लेता हूँ, केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस फिजिक्स, ऐसे आप लोगों का कंप्लीट मेरिट लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। ओके, एमएससी इन फिजिक्स कॉमन मेरिट लिस्ट थ्रू तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का थ्रू में कितने स्टूडेंट है, मतलब कितना सीट है, नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 30, दैट इज 150 स्टूडेंट्स को लिंक आएगा, ठीक है। एंड थ्रू कॉमन मेरिट लिस्ट थ्रू सीयूटी पीजी में जितना भी स्टूडेंट अप्लाई किया था, उन लोगों का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 8 सीट है, मतलब आप लोगों का 40 स्टूडेंट तक आप लोगों का रिपोर्टिंग लिंक आएगा। ऐसे 40 स्टूडेंट तक, इतना स्टूडेंट तक, ए वाला स्टूडेंट तक, अभी सरकार इन तक रिपोर्टिंग लिंक आएगा। रिपोर्टिंग लिंक आएगा मतलब ऐसा नहीं है आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो गया, रिपोर्टिंग लिंक आएगा मतलब आप लोग एडमिशन में बने रहोगे, ठीक है। उसके बाद एडमिशन लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा देख लेता हूँ, ओके। वन सेकेंड, आप लोग का क्या होगा, रिपोर्टिंग लिंक आने के बाद आप लोग का क्या करना पड़ेगा, इधर देख सकते हो। एक बार रिपोर्टिंग लिंक आ जाएगा, आ जाने के बाद ऐसा आप ओके मोबाइल में
हाँ देख लो, तो आप लोगों का एसएमएस मोबाइल में आएगा और ईमेल में आएगा रिपोर्टिंग लिंक। वो मैसेज आने के बाद आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है सर। तेजपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन डॉट इन में जाके आप लोगों का लॉग इन करना पड़ेगा। पहले क्या कर, क्लिक ऑन ऑलरेडी रजिस्टर्ड बटन एंड एंटर द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। आप लोगों का पासवर्ड देने के बाद आप लोगों का ऐसा एक इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं प्रोसीड फॉर रिपोर्टिंग, तो प्रोसीड फॉर रिपोर्टिंग करेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग होने के बाद आप लोगों का क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड एंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन। सो आप जितना भी स्टूडेंट आप लोग एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डिक्लाइन करना पड़ेगा। और जितना भी स्टूडेंट ले चाहते हो एडमिशन काउंसलिंग में बने रहना चाहते हो, उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद करने के बाद आप लोगों का उसके बाद देख सकते हो ऐसा एक ऑप्शन आएगा, मतलब इंटरफेस आएगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड। उसके बाद रिपोर्टिंग डस नॉट बोल दिया, रिपोर्टिंग डस नॉट मीन योर कंफर्म योर सीट, ठीक है। सीट तो कंफर्म नहीं हुआ, आप बोला कि रिपोर्टिंग हो गया। उसके बाद क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस चलेगा, ठीक है सर। ये स्टूडेंट का रिपोर्टिंग लेके आएगा, मतलब आप लोग काउंसलिंग में रहेगा। काउंसलिंग होने के बाद आप लोग को ऑनलाइन एडमिशन होगा। ऑनलाइन एडमिशन कब से होगा, ऑफलाइन एडमिशन इधर देख सकते हो। हाँ, ऑनलाइन एडमिशन के लिए आप लोगों का कब होगा, सो लिंक फॉर एडमिशन टू बी सेंट टू द मेरिट लिस्ट कैंडिडेट फॉर पीजी प्रोग्राम्स के लिए 12 जुलाई को सेंड होगा। फ्राइडे 12 जुलाई को आप लोगों का एडमिशन लिंक आएगा। एडमिशन लिंक विल बी सेंड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट टू द कैंडिडेट एज पर सीट मैट्रिक्स एट 2 PM। 2 PM में आप लोगों का एडमिशन लिंक आएगा। उसके बाद जितना भी स्टूडेंट को एडमिशन लिंक आएगा, ठीक है, उन लोग क्या करेगा, एडमिशन होने के लिए पहले आप लोगों का लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोसीड फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोसीड एंड डिक्लाइन। आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग का प्रोसीड करना पड़ेगा, एडमिशन लेना नहीं चाहते हो तो डिक्लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक वार्निंग है आप लोगों का, एक बार गलती से डिक्लाइन में क्लिक हो गया तो आप लोगों का किंतु एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो आप लोग ये ध्यान से प्रोसीड करना है, जितना भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो ध्यान से प्रोसीड करना, ठीक है। एक बार गलती से यह कर दिया, डिक्लाइन कर दिया तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ओटीपी आएगा, ओटीपी देना पड़ेगा। ओटीपी देने से आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा, फ्रीजिंग एंड फ्लोटिंग। आप लोग स्टूडेंट ऐसा भी हो सकते हैं, मतलब दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था तो पहले जो प्रोग्राम में एडमिशन मिल गया वो अच्छा नहीं लगा, वो दूसरा प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या करेगा, तो फ्लोटिंग करोगे, ठीक है। फ्लोटिंग ऑप्शन में क्लिक करना। और जितना भी स्टूडेंट एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया वो डायरेक्ट फ्रीजिंग करेगा, और दो प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किया था तो आप लोगों का पहले में पसंद का एप्लीकेशन मिल जाएगा तो आप लोगों का फ्रीजिंग कर देना। फ्रीजिंग मतलब वो जो प्रोग्राम के लिए आप एडमिशन हो गया वहां पे ही रहेगा, ठीक है, वो एडमिशन नहीं चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीजिंग कर देना। फ्रीजिंग करने के बाद एग्री एंड एक्सेप्ट टर्म्स कॉम के प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों का क्या होगा, सब कुछ कर देना। उसके बाद आप लोगों का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट। मेक पेमेंट के जाके आप लोगों का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है सर। एक बार पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल, हॉस्टल रिक्वेस्ट, आप लोगों को हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल रिक्वेस्ट क्लिक कर देना, हॉस्टल नहीं चाहिए तो नहीं कर देना, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल बहुत अच्छा है तो आप लोगों का मैं सजेस्ट करता हूँ हॉस्टल सब लोग ले लेना, ठीक है सर। ठीक है, हॉस्टल लेने के बाद आप लोगों का प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट कर देना। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसे देखा देखा सक्सेसफुल। एक बार सक्सेसफुल होगा तो आप लोगों का एडमिशन रिसिप्ट मिल जाएगा, एडमिशन रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना। ये आप लोगों का जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ना, फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम में ये जरूरी है। सो आप लोग ये प्रिंट आउट कर लेना। प्रिंट आउट करने से आप लोग का एडमिशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अभी और एक देता हूँ, तो आप लोगों का क्या है, पीएचडी के लिए एडमिशन लिंक आएगा 15 को, ठीक है सर, 15 जुलाई को 10 AM एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द। उसके बाद जो कैटेगरी में कैटेगरी का है ना, कैटेगरी का होता है 20 जुलाई को होगा, ओके कैटेगरी। उसके बाद आप लोग का फिजिकल रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स एडमिटेड स्टूडेंट
द पर्सपेक्टिव डिपार्टमेंट होगा 25 to 26 जुलाई एंड 29 to 23 जुलाई। सो आप लोगों का इस डेट में जाना पड़ेगा तेजपुर यूनिवर्सिटी में, आप लोगों का जो डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया उस डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा। उस डिपार्टमेंट में जाके आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ लेके हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उधर जाके क्या क्या करना पड़ेगा सब कुछ मैं बोल दूंगा, ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं डिटेल्स में बोल दूंगा, क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी से मैं भी मास्टर्स किया था, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तेजपुर यूनिवर्सिटी में जितना जो भी जानना चाहते हो बोल देना, ठीक है। उसके बाद तो समझ गया, तो जितना स्टूडेंट के रिपोर्टिंग लिंक आएगा, रिपोर्टिंग लिंक तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट को आएगा ना, 5 times स्टूडेंट का आएगा, सब लोग का एडमिशन नहीं मिलेगा, जिसका मेरिट लिस्ट में ज्यादा ऊपर में नाम है उन लोगों का ही एडमिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को सबको क्या करना है, रिपोर्टिंग लिंक को प्रोसीड करना, क्योंकि प्रोसीड करने से आप लोग वो काउंसिलिंग में बने रहोगे, और बने रहोगे तो आप लोगों का मिलने का चांस है, ठीक है। और आप लोग रिपोर्टिंग लिंक को प्रोसीड नहीं करेगा तो बने मतलब काउंसलिंग में ही बने रहे नहीं रहोगे तो एडमिशन तो नहीं मिलेगा। सो जितना भी स्टूडेंट के रिपोर्टिंग लिंक आएगा आप लोग का मोबाइल में, जीमेल में, आप लोग जरूर जरूर प्रोसीड करना, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद उसके बाद आप लोग लास्ट तक जितना भी स्टूडेंट को एडमिशन लिंक मिल जाएगा, ठीक है, 12 जुलाई को पीजी के लिए बोलना हूँ, 12 जुलाई को जितना भी स्टूडेंट के एडमिशन लिंक मिल जाए आप लोग अच्छे से पेमेंट तक कर देना, ठीक है। उसके बाद पेमेंट कर देना, जितना भी पेमेंट होता है वो तो पहले वीडियो में बोल दिया कितना कितना पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो पेमेंट कर देना, पेमेंट देने के बाद जितना भी स्टूडेंट को मिल जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है उधर जाना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा इसलिए तो मैं अलग से वीडियो आनूंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।